खतरा खतरा खतरा, आखिरकार खतरे में कौन है? ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। जाति धर्म का चश्मा उठा कर तो देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। मैं आज भारत हूँ और आज सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके विकास के माध्यम से मैं आज अपने युवा पीढ़ी, आज के मैं वीरों को बताना चाहता हूँ कि कैसे तुम्हारे बुजुर्गों यानी कि तुम्हारे आदि पुरुषों ने कैसे देश और राष्ट्र का निर्माण किया था। मेरे जन्म की अगर आप बात करें तो मैं जन्मा हूँ ऋषियों की रुचाओं में, और मैं आश्रम में पला हूँ, गंगा मेरी मात है। मैं युग पुरुषों की उंगली पकड़ के संघर्ष के इस वनरावन में चला हूँ, मैं वो भारत हूँ। जब समय और तारीख का पता नहीं था तब भी मेरा जन्म हुआ था। कई इतिहासकार मानते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व का तुम बता दो, क्या है तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे अस्तित्व की कुछ पहचान नहीं है। तब मैं बताता हूँ कि 10,000 वर्ष पहले मेरे बनने का खाका खींचा गया था। 5,000 वर्ष पहले जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने शस्त्र त्याग दिए थे, तब जो कृष्ण ने गीता सुनाई थी ना, वो मेरी भूमि थी। 5,000 वर्ष पहले जो गीता सुनाई थी ना, वो मेरी ही भूमि थी। 7,000 वर्ष पहले सरयू के किनारे जो राम हुए ना, वो मेरा ही पुत्र था। 8,000 वर्ष पहले ऋग्वेद की रुचाओं को खींचा गया था। आखिरकार ये सब मेरे ही तो अंग है। जो आप पढ़ते हैं अब, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, चंदूदड़ो, धोलावीरा, ये सारे मेरे ही तो अंग है, क्योंकि मैं भारत हूं। जब मैं कई सारे वहां जनपद और जनपद में बता हुआ था, तब मेरे ही एक पुत्र चाणक्य ने अपनी भुजाएं खोली और मुझे कश्मीर से कंधार तक और बिहार से बलूचिस्तान तक फैलाया था, क्योंकि मैं भारत हूं। उसी साम्राज्य के एक वंशज सम्राट अशोक ने मुझे ईरान की वादियों में शेर कराया था, क्योंकि मैं भारत हूँ। मेरे एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे हाथ में मेरे और मुंह में महावीर और बुद्ध की वाणियां गूंज रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उस समय सोने की चिड़िया हुआ करता था, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चाडाल डाल सोने की चिड़िया यहाँ करती है बसेरा। आखिरकार वही तो हूँ मैं भारत। लेकिन कुछ ऐसा समय आया कि बीच में मेरे कुछ काफिर पुत्रों ने कहा कि आओ और मुझे लूटो। इसी लालच से, एक विश्व विजेता बनने की लालच से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था सिकंदर, और मेरे ही एक वीर पुत्र से लड़ा था, पोरस। पोरस ने कहा था कि बोलो कैसे मरोगे, तो सिकंदर ने कहा ना ऐसे मरूंगा ना वैसे मरूंगा, ना ऐसे मरूंगा ना ऐसे होऊंगा, तू भी राजा मैं भी राजा, मैं यूनान चला जाऊंगा, राजा मुझे माफ करो, ऐसा मुझे इंसाफ करो। तब पोरस ने दया भावना दिखाते हुए उसे माफ किया और यूनान जाने को बोला। तब यूनान जाके सिकंदर ने स्वदेश जाके बनी ऐसी घड़ी ऐसी कहानी स्वदेश जाकर बड़ी ऐसी कहानी कि मैं पोरस से जीता था, कैसे बता सकता घर जाकर कि मैं चूहा और वो जीता था, इसीलिए मैं इस वीरों को गर्व करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि मैं भारत हूँ। इसके अलावा तुर्क, तैमूर, अरब से मुगलों और कई सारे लुटेरे यहाँ पे आए और मुझे लूट के चले गए। इसके अलावा 7 समुद्र पार से अंग्रेज, पोर्टुगीज, फ्रेंच, डच और कई सारे लोग आए, लेकिन मैंने किसी को मना नहीं किया। अभी भी वो यहाँ पे रह रहे हैं और मेरे साथ, मेरे अंदर, मेरे ही पुत्रों के साथ घुल मिल गए हैं। इसीलिए तो मैं कह सकता हूँ कि दुश्मनों की छल कपट ने किया मुझे यूं शर्मसार। हे भारत, ये क्या तेरी परिस्थिति आज आ पड़ी है। उस समय भगत सिंह,
सुखदेव, राजगुरु, मेरी बेटी वीर लक्ष्मीबाई, ये सबने मेरे लिए प्राण गवाए है। जब भी राजगुरु फांसी के फंदे पर चढ़ रहा था, तभी उसे पूछा गया कि क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा। तब राजगुरु ने बताया था कि मेरी तो एक ही इच्छा थी कि मैं चेंद की नींद सोना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी अच्छी मातृभूमि के लिए नींद सोने को मिलेगी। यह थे मेरे पुत्र। जो भी आंख मेरी ओर बढ़े वो कट गए, जो भी आंख मेरी ओर दिखाई वो झुक गई, क्योंकि मैं भारत हूं। आज मेरी वादियों में भारत की इस रक्त की सुगंध देखने को मिल रही है। जब मैं आजाद हुआ तब मुझे बड़े दुख से साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा एक सर नहीं था और मेरी दोनों बाहें नोच ली गई थी। इसीलिए मैं बहुत शर्मसार हूँ। आप कहते हैं कि मैं एक मानचित्र हूँ, मैं एक भूगोल हूँ, मैं एक धरती का टुकड़ा हूँ। नहीं, मैं एक धरती का टुकड़ा नहीं हूँ, मैं एक संस्कृति हूँ। मैं इस 125 करोड़ देशवासियों का माँ हूँ, मैं एक 125 करोड़ देशवासियों का बाप हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक बल हूँ, मैं भारत हूँ। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वीरो, अब तुम्हारे बुजुर्गों ने जो राष्ट्र निर्माण किया है, उसको जारी रखना है। हमें आज मुझे इसीलिए शर्म आती है कि आज भी हम सबका साथ, विकास की और प्रयास की, विश्वास की बात करते हैं, लेकिन आज भी भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। कैसे करेंगे ये लोग विश्वास? आज भी मेरे कई सारे बच्चे बिना नौकरियों के गलियों में घूम रहे हैं। आज भी हर सेकंड पे मेरी कई सारी बेटियों पे बलात्कार हो रहा है। तो कैसे करूं मैं सबका साथ और सबका विकास पे विश्वास? आज मेरा किसान, मेरा पुत्र मेरे शरणों में आके कह रहा है कि हमें तो कर्जदारों ने भी लूटा, जमींदारों ने भी लूटा, हमें तो लूट लिया मिल के कर्जदारों ने, छोटे बड़े जमींदारों ने, राजनीति के लालों ने। आज यह स्थिति आ पड़ी है। इसीलिए मैं आज की इस युवा पीढ़ी को, आज के इस युवा वीरों को बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हें देशभक्ति करनी है तो देश का प्रत्येक पुरुष में आपको पितृत्व का गुण दिखना चाहिए। देश की प्रत्येक माता में आपको मातृत्व का गुण दिखना चाहिए। आप देश के प्रत्येक कोने में जाए तो आपको उसमें आपका घर नजर आना चाहिए। यही है देश और देशभक्ति, और इनसे ही होगा राष्ट्र निर्माण। अगर आप शिक्षक है तो आप अपने विद्यार्थियों को मानवता मूल्य का शिक्षण जरूर दे। अगर आप चिकित्सक है तो मानव धर्म से वो देश के हरेक नागरिक का सेवा करे ऐसा शिक्षण जरूर दे। अगर आप संशोधककार है तो आप ऐसा कुछ संशोधन करें कि देश में रह रहे मेरे पुत्रों की रोजगारी न छीने। इसीलिए आप टैक्स भरे, आप हिंदू मुसलमान के नाम पर बटे नहीं, किसी भी पार्टी के अंधभक्त मत बनिए। यही तो है देशभक्ति और यही तो है राष्ट्र निर्माण। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि हे नमन उस वीरों को जिसने बोना हिमालय, हे नमन उस वीरों को जिसने बोना हिमालय, जो दरा पर गिर पड़े वो आसमां में जा चुके हैं, हमने भेजे है सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते वो है, हमसे कौन भिड़ते है? जिसका इस धरा से मन ही उड़ जाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।